मंदसौर में सिटी कोतवाली टीआई अमित सोनी पर लूट के आरोपियों ने चाकू से वार किया, जिसमें टीआई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं टीआई का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है, वहां से उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। मौके पर आईजी संतोष कुमार, डीआईजी सुशांत सक्सेना पहुंचे। आपको बता दें कि दलोदा में हार्डवेयर व्यापारी की दुकान में रात्रि के समय बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने 2 लाख से ज्यादा की लूट की थी, जिस पर टीआई अमित सोनी और उनके साथ पुलिसकर्मी ने एक सस्पेक्टेड को पकड़ लिया था। वहीं लेकिन पीछे से उसके 2 साथियों ने टीआई पर चाकू से वार कर दिया, जिसमें टीआई गंभीर रूप से घायल हो गए। सस्पेक्ट था वो एकदम आकस्मिक रूप से सामने आ गए थे, उन्होंने बहादुरी पूर्वक अपने गिरफ्त में ले भी लिया, परंतु उसने इस दौरान शोर मचाया। शोर मचाने से उसके जो अन्य साथी थे जो वहाँ मौजूद थे अंधेरे में आए, और उसमें से एक ने टीआई कोतवाली अमित सोनी के चाकू मार दिए, परंतु उस और चाकू मार दिए और अंधेरे का फायदा लेके सब लोग वहाँ से भाग गए।